आने में तो पीछे हूँ भैया, पीछे जाना जरा। गाजियाबाद के राजनगर सेक्टर 14 में भयंकर आग लगने का कारण एसी में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस समय मौजूद हैं एसी की रिपेयरिंग शॉप पर, जहां हम एसी के मैकेनिक जो हैं उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है एसी में ब्लास्ट हो जाने का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे जो एसी में ब्लास्ट हो जाता है शॉर्ट सर्किट से, क्या कारण रहता है कि इतना बड़ा दुर्घटना घट जाती है? देखिए, अगर लाइट तेज ज़्यादा आती है तो उस पोजीशन पे क्या है कि हमारे एसी के अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाते हैं। उस पोजीशन पे कंप्रेसर, जैसे लाइट ज़्यादा आई तो कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, और कंप्रेसर में इस तरह के जैसे टर्मिनल पॉइंट हैं, कभी ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाए एसी के ऊपर, तो यहाँ से इस पोजीशन से अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ से कभी कभी ये टर्मिनल निकल जाते हैं, और ये टर्मिनल निकलने के कारण ये कंप्रेसर फटने के चांस हो जाते हैं। तो इसमें ये यहाँ से निकलने पे अगर ये कंप्रेसर इस वजह से ही फट सकता है, या कभी कभी कंप्रेसर का ज़्यादा ओवर हीटिंग की वजह से हेड प्रेशर बढ़ जाए, उस पोजीशन पे भी कंप्रेसर कभी कभी फट सकता है। अदरवाइज इसमें सेफ्टी ही यही है कि सेफ्टी रखनी चाहिए कस्टमर को। जैसे दोपहर में अगर गर्मी ज़्यादा है तो कंटिन्यू एसी को नहीं चलाएं, और थोड़ा बहुत रेस्ट होना चाहिए कंप्रेसर के लिए। अनिल जी, जो लोग इसमें लापरवाही बरतते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ लापरवाहियां रही होती हैं एसी में, शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर ब्लास्ट हो गया, इतनी बड़ी घटना घटी है, तो कहीं ना कहीं लापरवाहियां ज़रूर होंगी। आप मीडिया के माध्यम से क्या लोगों को उपाय देना चाहेंगे? नहीं, लापरवाहियां होती हैं कभी कभी, कुछ लोग जैसे जल्दबाजी में कदम उठा देते हैं मकैनिक को इस तरह से, मतलब कुछ लोग जैसे परमानेंटली कुछ मकैनिक होते हैं उनके परख नहीं कर पाते कस्टमर, जैसे कंपनियां हैं या जो लोकल बंदे बैठे हैं मार्केट के अंदर, तो उन पे थोड़ा बिलीव करना चाहिए। और जो लोकल आजकल एक्चुअली क्या होते हैं, जैसे गर्मियां जिस तरह से आती हैं उसमें कस्टमर देखते हैं कि मैकेनिक बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि 3-4 महीने के लिए बहुत ज़्यादा दिखते हैं। सेफ्टी टिप्स क्या है आपकी तरफ से? सेफ्टी टिप्स यही है कि आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा गैस चार्जिंग वगैरह, और या कोई बड़ा मैकेनिकल फॉल्ट है तो आप वर्कशॉप से कराएं, ना कि घर पे। आप अपनी सेफ्टी देखें और घर पे ही कोशिश करें कि मैकेनिकल कोई भी फॉल्ट है तो वर्कशॉप एसी को भेजें, और कोई भी मैकेनिक काम कर रहा है उसके पास पूरा अपना सेफ्टी का सामान है कि नहीं है, आपके पास फायर का इंतजाम है कि नहीं, क्योंकि वर्कशॉप पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और घर पे कोई भी मैकेनिक इतना सामान इंस्ट्रूमेंट वगैरह घर पे नहीं ले जा सकता है, तो इसलिए कुछ लापरवाहियाँ हो जाती हैं, तो ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली बात है। और जो सर्विस है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए? हाँ, सर्विस भी प्रॉपरली तरीके से एसी स्टार्ट टाइम पे होना चाहिए, और जून जुलाई में भी आपको एक बार एसी को चेक करा लेना चाहिए। ये थे हमारे साथ में अनिल, जिन्होंने बताया कि एसी की सर्विस प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, इसके जो पार्ट्स हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि इतनी बड़ी घटना जो घटी है गाज़ियाबाद में वो फिर कभी ना घटे, और ख़ास तौर से ध्यान यदि हम लोग रखते हैं तो एसी से बचाव, जितने एसी से फ़ायदे हैं उतने ही नुकसान हो सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बचाव ज़रूरी है। अगर हम सर्विस प्रॉपर कराते हैं और प्रॉपर कंपनी से इसकी सर्विस की जाती है, पार्ट्स मंगाए जाते हैं, ठीक से प्रॉपर तरीके से रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं बड़े हादसे से बचा जा सकता है। कैमरा पर्सन शाहरुख मलिक के साथ जितेंद्र, साधना प्राइम न्यूज़, गाज़ियाबाद।